अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं प्यारे बच्चों? हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 फिजिक्स का पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है और उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स चीज़ें जानने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि ये चैप्टर हमें स्टेशनरी चार्जेस के नो हाउ देगा, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में जानने में हेल्प करेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके इंटरेक्शन को समझने में हेल्प करेगा। हम जान चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, चार्ज का सिंबल क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है, चार्जेस के इंटरेक्शन को थोड़ा हमने सीखा था कि कब अट्रैक्शन होगी और कब रिपल्शन होगी, ठीक है। और हमने कुछ मेथड्स के बारे में जाना था जहां हमने सीखा था कि चार्जिंग करते कैसे हैं, चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे चार्जेस के बारे में, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ओवरऑल बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन या तो कूलम्स लॉ का थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या फिर जो न्यूमेरिकल होता है वो आमतौर पे इसी के फार्मूले के ऊपर बेस कर रहा होता है, इसी की इक्वेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि कूलम्स लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है, इस तरह इसको समझते हैं। देखो, हम ये तो जानते ही हैं कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं या अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें पता थी, एक्सपेरिमेंट से हमने सीख लिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस फोर्स के साथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं वो फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। मसलन देखिए, या इसको मैं ज़्यादा बेहतर तरह से अगर कहूँ तो ये सवाल था कि जनाब फोर्स तो लगेगी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो अगर हम डिस्टेंस को चेंज कर दें, क्योंकि नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, अगर हम डिस्टेंस को कम बढ़ा देते हैं तो फोर्स पे फ़र्क पड़ना चाहिए, डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स पे फ़र्क पड़ना चाहिए। तो डिस्टेंस को चेंज करने से चार्जेस की एक दूसरे पे लगाए जाने वाली फ़ोर्स किस तरह से इफ़ेक्ट होगी, चार्जेस के वैल्यूज़ को, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करने से फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और चार्जेस के दरमियान में कोई ना कोई मीडियम तो होता ही है, कुछ ना कुछ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, आमतौर पे एयर होती है, इसके अलावा भी मीडियम्स होते हैं, ठीक है, माइका, ऑयल, पेपर वगैरह होते हैं। हम जब चार्जेस के बारे में, इनको आगे यूज़ के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि हम एयर के अलावा भी मीडियम डालते हैं बिटवीन द चार्जेस। तो उससे उन चार्जेस की एक दूसरे पे लगाए जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसे इफेक्ट होगी, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कूलम्स ने अपने लॉ के अंदर। उसने ना सिर्फ हमें ये इन फैक्टर्स का फोर्स के साथ क्या ताल्लुक है हमें वो सिखाया था कि डिस्टेंस, मीडियम और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये कैसे फोर्स को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में उसने हमें सिखाया था। बल्कि उसने हमें यह भी बताया था कूलम्स लॉ ने कि अगर तुम्हें फोर्स निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, उसको कैलकुलेट करना है बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, विच आर स्टेशनरी, तो उसने उसको भी निकालने का हमें फार्मूला दिया था, उसने मेथड दिया था कि तुम इस तरह निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलें इसको पढ़ते हैं। 1785 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स कूलम, उन्होंने ये लॉ पेश किया था और ये एक फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रिक फोर्स का बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है? ऑब्वियसली एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम लोग फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, उसको डिस्टेंस और क्वान्टिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, और मीडियम के पर्सपेक्टिव में समझने वाले हैं। तो कूलम्स ने ये कहा था कि मान लो आपको ये तो पता ही है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, रिपेलियन हो रही है यहाँ पे, और जो सिमिलर चार्जेस नहीं होते, ऑपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो मान लो ये हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है चार्जेस की, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, और यहाँ ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, उनमें कुछ डिस्टेंस है r, चार्जेस को हमने जो वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे q1 के साथ, ये पहला चार्ज है इसको q1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दूसरा है इसको q2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ ये q1 और ये q2, और यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन है और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कूलम्स ने क्या कहा था? कूलम्स ने कहा था जनाब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है ना बिटवीन पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ। पॉइंट चार्जेस कहते हैं ऐसे चार्जेस को जिनका साइज बहुत बहुत कम हो उनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस से, मतलब दो चार्जेस हैं अगर मान लो इतना डिस्टेंस उनमें, अगर उनका साइज, ठीक है, उनका एरिया या उनका वॉल्यूम बहुत बहुत छोटा है, बहुत ही कम, बहुत महदूद हैं वो, तो ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। ये इस टॉपिक में लिखा हुआ है वैसे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है बिटवीन पॉइंट चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है?
प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि ये जो चार्जेस हैं इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी हैं, ये इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं कि इफ़ एफ इज़ द फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इसमें हम नहीं पढ़ रहे, फोर्स को हम लेके चल रहे हैं, तो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होती है ना दो चीज़ें, तो हमेशा अगर एक चीज़ अगर यहाँ फोर्स लिखी हुई है तो ये न्यूमिनेटर में है, तो वो जिस चीज़ पर डिपेंड कर रही है अगर वो उसका उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो वो भी न्यूमिनेटर में ही आएगी। तो ये देखिए, ये अगर लेवल सेम है दोनों न्यूमिनेटर में होंगी तो इनका डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। मैथ की लैंग्वेज में जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो बोलते हैं उनका प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 और Q2, चार्ज कितना कितना है, चार्ज की वैल्यू, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम जानते हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दें, अगर दो क्वांटिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन है और एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक क्वांटिटी को अगर हम डिक्रीज़ करेंगे दूसरी भी घटना शुरू हो जाएगी। तो इस साइड पे जो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं अगर हम इनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे, अगर इन दोनों का आंसर बड़ा आएगा तो फोर्स का आंसर भी बड़ा आएगा। क्या मतलब इसका, यहाँ अप्लाई करके देखो, अगर यहाँ और यहाँ हम Q1 और Q2 की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी और यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक तो आंसर मिल गया हम लोगों को, यहाँ जो हमने शुरू में बैकग्राउंड में आपको बताया था कि यार चार्जेस की वैल्यूज़ को चेंज करने से फोर्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कूलम्स ने बताया भाई फोर्स बढ़ जाएगी, अगर तुम चार्जेस की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चार्जेस का प्रोडक्ट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बताया उसने। ये बहरहाल याद रखना, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसको उसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। इस लॉ को प्रेजेंट करने से पहले उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे उसने जो रिजल्ट्स मिले थे उसकी बेस पे उसने ये लॉ बनाया था। ठीक है, फिर उसने कहा कि अच्छा अब आप आते हैं डिस्टेंस की तरफ, तो इसी लॉ का जो स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है वो डिस्टेंस और फोर्स के रिलेशनशिप को बता रहा है। वो कहता है जी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस होती है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, लेकिन यही जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के, सिंपल डिस्टेंस के नहीं, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के, स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मान लो ये डिस्टेंस आर है, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस आर से ही रिप्रेजेंट होगा, तो ये जो फोर्स होगी अट्रैक्शन की या रिपल्शन की ये स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर डिस्टेंस के। ठीक है, सिंपल आर नहीं होगा, ये आर चूंकि डिस्टेंस को शो कर रहा है तो वो आर का स्क्वायर लेना है आपने, तब बनेगा ये स्क्वायर डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो जो फोर्स होगी वो चार गुना कम हो जाएगी। इनवर्स है ना दोनों, इसलिए हमने इनको आमने सामने नहीं लिखा हुआ, जैसे हमने यहाँ लिखा था कि ये इनवर्स नहीं थे, ये तो डायरेक्ट थे। जब दो क्वांटिटीज़ का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है तो जब उनका हम रिलेशन लिखते हैं तो उनको आमने सामने नहीं लिखते, एक को न्यूमिनेटर में दूसरी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, एक बात। और जब इनवर्स रिलेशन होता है तो एक चीज़ के बढ़ने से, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घट जाती है। तो यकीनन अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, मतलब उसको ज़्यादा कर रहे हैं, तो फोर्स को घटना चाहिए, लेकिन अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो फोर्स डबल नहीं घटेगी, फोर्स चार गुना घट जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पे स्क्वायर है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इन दोनों इनको बोलते हैं रिलेशन, जहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होना क्वांटिटीज़ के दरमियान में, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि ये रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों रिलेशंस को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग बोथ रिलेशंस, जो चीज़ें न्यूमिनेटर में उनको न्यूमिनेटर में लिख दो, Q1 Q2 न्यूमिनेटर में, देखिए राइट साइड पे न्यूमिनेटर में आ गई, आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया, और इस तरफ फोर्स है तो फोर्स को लिख लिया हमने, और बीच में ये साइन आ गया। अब हमने इस साइन को रिमूव किया तो हमारे पास इक्वल का साइन आ गया, एक कांस्टेंट आया के साथ में, आया Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ये क्या है, ये है कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, इसमें जो हमने क्वांटिटीज लिखी हुई हैं उनके बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, जैसे हमने यहाँ बताया आपको, बिटवीन दी टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, और ये कांस्टेंट है,
ठीक है, ये कॉन्स्टेंट हमें उस मीडियम के बारे में बताएगा, उस मीडियम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा जो इन चार्जेस के दरमियान में है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। Q1 और Q2 आपको पता है उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और R उन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमने मैथमेटिकल फॉर्म निकाल ली। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके बड़े आराम से चार्जेस के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स को निकाल लेंगे। लेकिन सिर्फ एक परेशानी है, और वो ये है कि हमें के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम कि ये कांस्टेंट तो है, लेकिन सर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, क्या इसका कोई यूनिट होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा जानते हैं, तो हम एक हेडिंग लगाते हैं। आपने क्या करना है, आपने के बारे में बताने से पहले इन तमाम क्वांटिटीज़ को बताना है नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने के बारे में बताना है। तो हम लगा रहे हैं अबाउट के, हम K को जानने की कोशिश करते हैं। K ऑब्वियसली आपको पता है, जब भी हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ये वही कांस्टेंट है, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। K इज़ ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ओके। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है बेटा, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है, देखो हमने पढ़ा था कि आप खुद भी सोचो ना, अगर हम दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं तो उनके दरमियान लगने वाली जो फोर्स होगी वो ना सिर्फ ये कि चार्जेस के वैल्यू पे, चार्जेस बड़े हैं या छोटे हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, ज़्यादा चार्ज है या कम चार्ज है, उनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, बल्कि उनके दरमियान में क्या है वो भी तो उनके दरमियान में लगने वाली फोर्स को अफेक्ट करेगा। और वो क्या है, वो मीडियम है, और उस मीडियम को, उस मीडियम की आप कह लीजिए कि मीडियम के बारे में बता रहा है हमें के, के की जो वैल्यू होगी वो बताएगी कि वो मीडियम कितना अलाउ करेगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को, कितना परमिट करेगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो मीडियम की नेचर पर डिपेंड करेगी। तो अगर the medium between both charges, दोनों जो charges हैं उनके दरमियान में जो medium है वो हवा है, ठीक है, then in SI units, system में international जो units का होता है उसके अंदर हमें जो k की value होगी वो मिलेगी, value of k जो होती है बेटा वो आती है, k की जो value है वो आती है k equals to 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बेटा इसकी वैल्यू आती है। एयर के केस में अगर एयर मीडियम होगा तो फिर जो के की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये हमें क्या बता रही है, हम इसकी वैल्यू को, यूनिट को, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। ये वैल्यू हमें ये बता रही है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, के का आंसर बहुत बड़ा है, 9 ट्रिलियन, 10^9 का मतलब होता है ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मतलब ये जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों के दरमियान में एयर होगा, और आपको बताऊं कि अगर एयर के अलावा फ्री स्पेस भी होगी, मतलब वैक्यूम होगा, कुछ भी नहीं होगा बीच में, उस केस में भी इन दोनों चार्जेस में ये एबिलिटी है कि एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और उस केस में भी जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी वो इतनी ही होगी, ठीक है, तकरीबन इतनी ही होगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब है कि एयर की मौजूदगी में इन दोनों चार्जेस में लगने वाली जो फोर्स होगी वो बहुत बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम चार्जेस को भी वैसे ही रखते हैं, उनमें डिस्टेंस को भी वैसे ही रखते हैं, और मीडियम को एयर के अलावा बदल के कोई और कर देते हैं, उस केस में इनके दरमियान में लगने वाली फोर्स घट जाएगी, एयर के प्रेजेंस में फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि एयर के लिए जो के की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें ये एक बात समझ में आ रही है कि अगर हमारा मीडियम है और उसके लिए के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके नतीजे में उन दोनों चार्जेस में लगने वाली फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा होगी, और जब के की वैल्यू घटेगी तो चार्जेस में लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी काफ़ी कम होगी, ठीक है। तो ये एयर के लिए जो के की वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, और यूनिट भी पता होना चाहिए। ये देखिए सारे SI यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं, इसलिए हमने बताया कि SI यूनिट्स में के की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये यूनिट आया कैसे, ये आमतौर पर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि सर के का SI यूनिट ये कैसे बन गया, तो इसको निकालना कोई खास मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपको शायद ये नज़र ना आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा रीएडजस्ट कर देता हूँ। चलो बेटा, तो
आपको अगर थोड़ी दुश्वारी हुई है तो मैं दोबारा इसको यहाँ से बता देता हूँ। हमने यहाँ पे इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद ये फॉर्म बनी। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया तो इक्वल का साइन आ गया, साथ में कॉन्स्टेंट आ गया के, और बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसी। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है कूलम्स लॉ की। इस मैथमेटिकल फॉर्म के थ्रू हम लोग चार्जेस में लगने वाली फोर्स को मालूम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ के बारे में नहीं पता, और वो है के, कि के क्या चीज़ है। पहले नंबर पे जानो कि ये के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब भी हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं इक्वल के साथ, तो उस कांस्टेंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये हमें इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। ये हमें मीडियम के बारे में बता रहा है, के जो है ये अपनी वैल्यू के ज़रिए हमें उस मीडियम के बारे में बता रहा है कि जो दोनों चार्जेस में मीडियम है वो दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन को, जो फोर्सेस एक दूसरे पे वो लगा रहे हैं, उसको कितना अलाउ कर रहा है कि वो एक दूसरे पे उतनी फोर्स लगाएं, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे, मीडियम पे मीडियम का रोल भी तो होगा। तो उसको हम जानेंगे कैसे कि मीडियम कैसा रोल प्ले कर रहा है, के की वैल्यू के थ्रू जानेंगे। अगर के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि एयर के केस में इतनी होती है, तो इसका मतलब है कि वो मीडियम काफ़ी फैसिलिटेट कर रहा है कि वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे ज़्यादा ज़्यादा फोर्स लगाएं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट्स में एयर के लिए के की वैल्यू ही आती है। तो ये यूनिट कैसे आया हम इसको जानते हैं, तो इसको निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आप इसी एक्सप्रेशन को ज़रा के लिए अरेंज करेंगे, के लिए अरेंज करेंगे यूनिट ऑफ के, एस आई यूनिट ऑफ के, एस आई यूनिट ऑफ के को हम जान लेते हैं। ये आपको अलग से बता रहे हैं, ये वैसे आपको याद जो है वो पता होना चाहिए कि अगर आपको यूनिट भूल जाता है तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, के लिए फार्मूला बन जाएगा ये वाला, आप देख सकते हैं एफ आर स्क्वायर ओवर क्यू वन इंटू क्यू टू। अब आपने के का यूनिट निकालना है तो आप क्या करिए, बाकी तमाम क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पुट करिए अंदर, और याद रखिएगा आपने के का ऐसा यूनिट निकालना है तो बाकी का भी ऐसा यूनिट पुट करना है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट होता है मीटर, और डिस्टेंस पे स्क्वायर है तो मीटर पे स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका चार्ज कूलम, और दूसरे चार्ज का यूनिट भी कूलम। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों मिल जाएंगे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बेटा ये इसका यूनिट आएगा, मैं देख लूँगा आपको नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो मैं नीचे ले देता हूँ। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर जाके हो जाएगा पर कूलम स्क्वायर, सी पावर माइनस टू, कूलम पावर माइनस टू। तो ये इसका यूनिट है। ठीक है, तो इस लॉ में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जनाब चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है अगर हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो जो चार्जेस के दरमियान में लगने वाली फोर्स है वो घटना शुरू हो जाएगी, और ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन है। हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स डबल कम नहीं होगी, वो डबल के स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब फोर टाइम्स कम हो जाएगी। हम डिस्टेंस को अगर हम डिस्टेंस को टू टाइम्स घटाते हैं तो फोर्स टू टाइम्स नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो टू का स्क्वायर करोगे पहले आप, दैट इज़ फोर, वो फोर टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो एक चीज़ अगर बढ़ रही है दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली घटेगी, लेकिन ये घटेगी कितना, तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि स्क्वायर का रिलेशन है। इसमें हमने ये भी जाना कि चार्जेस के दरमियान चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी फोर्स को अफेक्ट करता है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, नहीं तो कम लगेगी। और हमने ये जाना कि चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है, पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है वो भी फोर्स को अफेक्ट करता है। मीडियम अगर एयर जैसा होगा तो उस केस में फोर्स अच्छी खासी लगेगी, ठीक है, और अगर हम एयर के अलावा कोई और मीडियम यूज़ कर लेंगे तो फिर फोर्स घटना शुरू हो जाएगी। और एयर के लिए जो एक कॉन्स्टेंट है कि उसकी वैल्यू कुछ इतनी होती है ऐसा यूनिट्स के अंदर, और इसका यूनिट कैसे निकालते हैं हमने वो भी सीखा। आखिरी बात याद रखना, ये जो लॉ है याद रखिए इसकी एक लिमिटेशन है, ये लॉ इसकी लिमिटेशन कह लीजिए या इसकी वैलिडिटी कह लीजिए, दोनों आप कह सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट पे होते हैं और जिनका साइज बहुत बहुत कम होता है उनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस से, उन्हें बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये मूविंग चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन एक बात है, अगर सर एक चार्ज मूव कर रहा है और दूसरा चार्ज स्टेशनरी है तो उस केस में एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर दोनों मूव कर रहे हैं तब एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि यहाँ से शायद ये फीलिंग आ रही हो आपको कि दोनों ही स्टेशनरी होंगे चार्जेस और दोनों ही पॉइंट होंगे तभी जाकर ये वैलिड होगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब बहुत ही छोटे हैं, इनका साइज़ बहुत कम है, चार्ज बहुत बहुत आप कह लीजिए कि उसकी वैल्यू बहुत कम है
ठीक है, तो साइज़ का मतलब यही हो सकता है ना, और क्या होगा इसका मतलब? तो जो पॉइंट चार्जेस होंगे, अगर एक मूव कर रहा है, एक मूव कर रहा है और दूसरा रेस्ट के ऊपर है, तो उस केस में भी हम इस लॉ से फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों मूव कर रहे हैं तब नहीं निकाल सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इस टॉपिक को अच्छी तरह लर्न कीजिएगा और याद रखिएगा कि ये टॉपिक लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर के अंदर, जहां हम पढ़ेंगे फील्ड के बारे में। तो अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।